मॉर्निंग एवरीवन, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सुबह हो चुकी है, सारा रूटीन हमारा अभी स्टार्ट होगा। तो सुबह का टाइम है और इंस्टामार्ट से मैंने ऑर्डर किया है वाटरमेलन, अदरक, टमाटर और एक गवार की सब्ज़ी, भिंडी, बैंगन, ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, और यहाँ पे है कर्ड और कोरिएंडर, ग्रीन चिली, और यहाँ पे है दूध, और हाँ अच्छा ये दूध, दही और छाछ, और ये है गाजर, लहसुन, और ये कॉर्न, और ये पम्पकिन है छोटा वाला। और इडली के लिए मैंने मंगाया है राइस और उड़द की दाल, और ये मैंने रवा मंगाया है सूजी वाला, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने मंगाया था वो थोड़ा सा इतना फाइन पाउडर टाइप आया है ना कि उससे ना इतना अच्छा ना उपमा नहीं बन पाता है। तो आज मैं उसी से अप्पे बनाने वाली हूँ और खोबरे की चटनी। और ये सामान मैंने कल परसों में मैं सांभर इडली कुछ प्लान करूँगी, तो उसके लिए ये सब सब्जियाँ लगेंगी, तो मैंने मंगा ली है, तो इतनी तो नहीं लगेंगी, लेकिन फिर मैं लास्ट जितना भी सब्जी बचेगा ना तो मिक्स वेज बना दूँगी। तो इस तरह से सोच के मैंने इतनी सारी सब्जियाँ मंगाई है। और ये रहा ड्रमस्टिक, तो अभी से सब सॉर्ट करके रखती हूँ और सब वॉश करके अच्छे से सुखा के फिर फ्रिज में डाल दूँगी। अप्पे के लिए कॉर्न यूज़ करूँगी, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, बस इतना ही यूज़ करती हूँ, और गाजर भी यूज़ कर लूँगी, तो मिक्स वेजिटेबल अप्पे बन जाएंगे। तो चलिए ये सारा पहले समेट लूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो कॉर्न भी मैंने वॉश कर लिए है, अदरक मैंने पानी में भिगो के रखा है, मैं ऐसे करती हूँ, और फिर थोड़ा देर सोक होने के बाद इसे अच्छे से क्लीन करना इजी जाता है, क्योंकि ये जो मिट्टी रहती है इसके ऊपर की वो सारी अच्छे से वॉश आउट हो जाती है। और सारी सब्जियाँ क्लीन करने के बाद मैं ऐसे जाली में रख के नीचे स्टैंड दे के ऐसे रख देती हूँ, तो फ़ैन के नीचे ही आराम से एक घंटे में पूरा पानी जो है ना वो निकल जाता है, ड्राई हो जाती है सब्जियाँ, और फिर मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि ऐसे ही सामान फ्रिज में रखो, क्योंकि पता नहीं कितने ह्यूमन टच से वो निकल के आप सामान अपने घर तक आता है। और फ्रिज में कोई भी चीज़ जाने से पहले मैं मेक श्योर करती हूँ कि सारी चीज़ें क्लीन करके ही मैं फ्रिज में रखूँ, इवन कोई पैकेट भी हो ना तो उसको भी मैं क्लीन करती हूँ गीले कपड़े के साथ और फिर रखती हूँ, तो वो मेरी आदत है, अब उसका कुछ नहीं कर सकते। और सब्जियाँ भी देखो, मैंने ये इतना क्यूट लग रहा है ना, ये मैंने स्पेशली सांभर के लिए मंगाया है, तो ये मोस्टली गवार की फली और बैंगन, ड्रमस्टिक और ये भिंडी, ये सब मेरा सांभर के लिए यूज़ होने वाला है, और बचा हुआ फिर मैं बाद में फिर कुछ तो वेज बना दूंगी जैसे मैंने आपको बोला। तो मैंने कभी ये वाले सब्जियाँ यूज़ करके मिक्स वेज नहीं बनाया है, मोस्टली मैंने वेज मिक्स वेज कोई और सब्जियाँ यूज़ करके ही बनाया है, ये मैं पहली बार बनाऊंगी, बचेंगी तो बचेंगे ही ऑब्वियसली, इतनी ज़्यादा है सांभर के लिए ना इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, दो लोगों के लिए कितना ही सांभर लगेगा ना। और ये रात को मैंने दही बनाया था, अच्छे से बनाए, क्योंकि ये गाय के दूध का है तो थोड़ा सा पतला आता है, तो अभी घर पे ही दही लगाऊंगी। अभी ये मैंने इसमें से जितना मतलब ये 250 ml का कुछ मैंने लगाया था, तो बाकी सब मैंने अप्पे बनाने के लिए यूज़ किया है, रवा सोक करके रखा है। ये रहा वो एकदम फाइन वाला रवा, उसको मैंने होममेड दही के साथ सोक करके रखा है, और पानी भी डाला था, तो इसके अंदर अभी वेजेस कट करके डालूंगी। हमें इसे इंस्टेंट बनाना है तो मैं इनो का यूज़ करूंगी, तो फ्लफी अच्छे से बन पाएंगे। तो मिक्स वेजिटेबल अप्पे के लिए जो भी चाहिए वो मैंने कट करके लिया है, यहाँ पे मिर्ची, प्याज, कॉर्न, गाजर भी कद्दूकस करके लिया है, थोड़ा कड़ी पत्ता और कोरिएंडर, और ये सब जाएगा रवा के बैटर में, और सॉल्ट बस इतना ही हमें डालना है, और बनाते वक्त हम इनो ऐड करेंगे। और ये मैं बना रही हूँ चटनी नारियल की, तो उसके लिए ऑब्वियसली नारियल लगेगा, मिर्ची, कोरिएंडर, और थोड़ा सा मैंने लहसुन यूज़ किया है, जीरा और नमक, दही भी मैंने घर का जो बना है वही ऐड किया है इसमें 2-3 चम्मच। इसका पेस्ट बना लूँगी, चटनी रेडी। आज मैं इसे तड़का नहीं दूँगी, सिंपल सा ही मतलब खाएंगे वेजिटेबल अप्पे के साथ। अभी ये मैं सब इसके अंदर डाल देती हूँ। मुझे ना यही याद नहीं है कि मैंने सॉल्ट डाला कि नहीं डाला था, अब इसे मिक्स कर लेती हूँ और फिर टेस्ट करके देखती हूँ सॉल्ट मैंने ऐड किया है क्या। इनो डालने से ना बैटर तुरंत फूलता है, जैसे कि हमने फर्मेंट किया हो। और यहाँ पे मैंने अप्पे का जो पैन है वो भी रख दिया है, अब इसके अंदर पहले घी डालूंगी,
एग्जॉस्ट लगाना ही पड़ेगा। और रेडी है हमारा ब्रेकफास्ट, मिक्स वेजिटेबल अप्पे और खोबरे की चटनी। तो आज बेडरूम क्लीन किया छोटा वाला, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला लंच के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वेजिटेबल नूडल्स बना दूं। तो यहाँ पे मैंने नूडल्स बॉईल करने के लिए रख दिया है और साथ में अभी ये जो प्रिपेयर किया है मसाला, मैंने उसमें मैंने कैरेट और कॉर्न, टमाटर, प्याज और मिर्ची इतना डाला है और साथ में मैंने मैंगोज भी कट करके लिए है दो। तो नूडल्स और मैंगो आज के लंच में इतना इनफ है। ये देखो सुबह मैंने कर्ड लगाया था, ये गाय का दूध है, कितना अच्छा कर्ड लग भी गया है शाम तक, आधा लीटर दूध का। और ये खाने में इतना टेस्टी लगता है ना, घर में जो दही लग बनाएंगे ना हम, तो मतलब शुगर उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा नेचुरली वो बहुत टेस्टी लगता है। तो अब इसे और मैं थोड़ा टाइम रखूँगी क्योंकि ये जस्ट सेट हुआ है और ये इतना ज़्यादा खट्टा नहीं है, तो थोड़ा और एक घंटा रखूँगी ना तो थोड़ा सा खटास इसमें बढ़ जाएगा, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी तो इसका प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, तब तक इसे बाहर ही रखेंगे।